हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप पेटीएम का अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे आप दोबारा रीसेट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं भी पेटीएम का पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो चलिए कैसे आप रीसेट करेंगे आज के वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेटीएम एप्लीकेशन आपको अपना ओपन करना है। तो ये रहा मेरा पेटीएम एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों, या जगह अगर आप पेटीएम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पेटीएम एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर में जा करके आप इसको अपडेट कर दीजिए, जिससे कि अब पेटीएम एप्लीकेशन में ही पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में आपको ये जो आदमी जैसा आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आदमी जैसे आइकन के ऊपर क्लिक करिएगा तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमने पहले से मेरा अकाउंट है। अब इसको लॉगिन में क्लिक करेंगे और पासवर्ड चेंज करने के लिए या रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए, जो भी आपने पेटीएम से अकाउंट क्रिएट किया था तो उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपना पेटीएम का नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना यहाँ पे पेटीएम नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको जो क्लिक करना है यहाँ पे नीचे प्रोसीड सिक्योरली जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एंटर पेटीएम पासवर्ड। तो मैं ये पासवर्ड तो भूल चुका हूँ, तो अब इसको क्या करना है, रीसेट करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पेटीएम नंबर डालने के लिए, नहीं तो यहाँ पे फिर से पेटीएम नंबर खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड सिक्योरली के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक वन टाइम कोड आएगा। तो उस कोड को अगर आपके मोबाइल में लगा हुआ रहेगा तो वो कोड खुद ब खुद यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेट न्यू पासवर्ड, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए, और फॉर अकाउंट लिंक जो है आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंटर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू पासवर्ड डालिए और फिर यहाँ पे नीचे जो आपने ऊपर में न्यू पासवर्ड डाला है उसी पासवर्ड को आपको री एंटर पासवर्ड में डाल देना है। तो चलिए, यहाँ पे भी वही पासवर्ड डालिए और यहाँ पे भी वही पासवर्ड जो आप अभी बना रहे हैं। तो चलिए, फटाफट दोनों पासवर्ड हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर में और नीचे दोनों जगह पे पासवर्ड डाल दिया, और जो पासवर्ड यहाँ पे ऊपर में डाले वही पासवर्ड यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो सेव लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक SMS आएगा। चलिए, उस SMS को हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि नीचे लिखा हुआ है द पासवर्ड ऑफ योर पेटीएम अकाउंट हैज़ बीन चेंज अ विल अगो। तो यहाँ पे आपका पेटीएम का जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो चलिए, अब हम पेटीएम एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम का पासवर्ड डालना है। तो चलिए, मैं अपना पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है उसको डाल दीजिए, और जैसे आप पेटीएम का पासवर्ड डालिएगा उसके बाद सबमिट का जो बटन है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा और अब आपका पेटीएम जो अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको ऊपर में आपका नाम लिख कर किया जाएगा और आप पेटीएम एप्लीकेशन जैसे पहले यूज़ करते थे उसी तरीके से आप अब यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा।